हेलो ऑल, वेलकम बैक। दिस इज़ विनय सिंह फ्रॉम विश एकेडमी डॉट कॉम और आप देख रहे हैं HTML5 जियो लोकेशन API ट्यूटोरियल हिंदी में। हम लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड निकाल चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड में हमने उसके थ्रू सिटीज़ निकाल ली थी, सिटी किस तरह निकाली जाती है आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। एंड नाउ हम एरर केसेस देखने वाले हैं। सो एरर केसेस में अगर यूज़र ब्लॉक करता है या टाइम आउट होता है या कुछ होता है तो किस तरह उसे हैंडल करेंगे, ये हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स सी। चार तरह के एरर केसेस होते हैं जियोलोकेशन API में एंड ये डिपेंड करते हैं इनके एरर कोड पर, किस तरह का एरर कोड हमें रिसीव हो रहा है। सो यहाँ पर चार कोड रिसीव होते हैं, 0, 1, 2 एंड 3। ओके, सो 0 का मतलब होता है अननोन एरर। 1 कोड अगर रिसीव होता है तो इसका मतलब है कि यूज़र ने जो है वो लोकेशन शेयर करने से मना कर दिया है एंड परमिशन डिनाइड। ओके, अगर 3 होता है तो पोजीशन जो है अनअवेलेबल है एंड अगर 3 नंबर होता है तो इसका मतलब है टाइम आउट, मतलब API का रिस्पॉन्स जो है वो टाइम आउट हो चुका है। सो इन एरर कोड के अकॉर्डिंग हमें एरर केसेस बनाना होंगे और उन्हें डायनेमिकली हमें चेक करना होगा कौन सा एरर कोड है एंड देन हम यूज़र को शो करेंगे या हम खुद रिसीव करेंगे कि किस तरह का एरर हमें रिसीव हुआ है। ओके, सो ऐसा करने के लिए हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। फंक्शन का नाम देते हैं शो एरर, ठीक है। एंड एरर के अंदर हम एरर पास करेंगे, एरर कोड। नाउ एक्चुअली जब हम यहाँ पर गेट करेंट पोजिशन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर 2 केसेस हमें मिलते हैं, सक्सेस और एरर। सो सक्सेस केस में हम शो पोजिशन फंक्शन के अंदर डाटा सेंड करते हैं एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट पास करते हैं हम एरर के लिए। सो यहाँ पर भी हम फंक्शन का नाम पास करेंगे विच इज़ शो एरर। सो शो एरर को हम यहाँ पर कॉपी करेंगे एंड यहाँ कर देंगे पेस्ट। तो जो भी एरर हमें रिसीव होती है उसका जो भी कोड हमें रिसीव होता है वो हमें इस आर्ग्यूमेंट में मिलेगा एंड इस आर्ग्यूमेंट का यूज़ करके इस आर्ग्यूमेंट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि हमें कौन सा एरर फेस रिसीव हुआ है। ओके, सो लेट्स गो अहेड। यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ स्विच केस का। सो स्विच एरर मतलब ये आर्ग्यूमेंट डॉट कोड विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्विच करना है एरर कोड को एंड यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे केसेस। सो केस में है अगर एरर डॉट, सबसे पहला कोड होता है 1, सो परमिशन डिनाइड हो सकता है। ओके, सो इसे कॉपी कर लेते हैं। एरर डॉट परमिशन डिनाइड अगर मिलता है हमें तो क्या होगा, इस केस में एक्स डॉट इनर HTML में हम स्ट्रिंग पास करेंगे यूजर डोंट वॉन्ट टू शेयर लोकेशन। ओके एंड देन ब्रेक दिस केस। इसी तरह मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। ओके, नेक्स्ट है एरर कोड 2 विच इज़ पोजीशन अनअवेलेबल, मतलब यूज़र ने शेयर तो किया है पर परमिशन इसकी पोजीशन मिल नहीं रही है। सो पोजीशन अनअवेलेबल, इन दिस केस हम प्रिंट करेंगे यूज़र लोकेशन इज नॉट अवेलेबल या यूज़र लोकेशन डाटा इज नॉट अवेलेबल लाइक दैट। ओके, द नेक्स्ट कैन बी टाइम आउट। सो टाइम आउट, टाइम आउट केवल। ओके एंड देन नेक्स्ट कैन बी अननोन एरर, कुछ भी एरर हो सकती है, कुछ पता नहीं, कुछ टेक्निकल इशू या समथिंग लाइक दैट। सो देयर इज समथिंग अननोन एरर, सेव इट, इसे डिलीट कर देते हैं हम। ओके एंड अगर आप और ज़्यादा स्पेसिफिकली लिखना चाहें तो हम एरर कोड को प्रिंट भी कर सकते हैं यहाँ पर सबके साथ में, लाइक एरर कोड प्लस एंड लाइक दिस एंड इसके बाद कोड लाइक दिस। ओके, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी एरर कोड 3 एंड टाइम आउट, दिस 0 इज देयर इज समथिंग एरर। सेव इट एंड रिफ्रेश इट, देन मैं इसे फिर से रीसेट कर लेता हूँ। आस्क
Okay, reload the page. Now git location. Show error is not defined. Show error. Then show error. Refresh git location. Okay, something is wrong. Show error kyun nahi aa raha hai? Show error and show error save git location. Git location पर show error define नहीं है. Let me check it. Okay, so here it is. Function show position के अंदर actually हमने show error को define कर दिया है. Okay, my mistake. So यहाँ पर function खत्म हो रहा है. और उसके बाद दूसरा फंक्शन शुरू होना चाहिए लाइक दिस. उसके बाद यहाँ पर पेस्ट. ओके, फंक्शन के अंदर फंक्शन एक्चुअली हमने डिफाइन कर दिया था, माय मिस्टेक. नाउ गेट लोकेशन एंड कोड वन, यूजर डोंट वांट टू शेयर द लोकेशन. ठीक है, फिर से ट्राई करते हैं. आस्क एवरी टाइम, रीलोड द पेज, गेट लोकेशन, ब्लॉक, कोड वन, यूजर डोंट वांट टू शेयर द लोकेशन. ओके, फिर से इसे रीसेट करते हैं. आस्क मी अगेन, reload the page, get location and allow Indore Madhya Pradesh. Okay, so here is how it works. इस तरह HTML5 की geolocation API काम करती है. ये बहुत ही basic example है, इससे भी ज़्यादा complex चीज़ें हम इससे बना सकते हैं. Like अगर आपके पास device है तो device में आप किस ओर move कर रहे हैं, किस दिशा की ओर move कर रहे हैं, कितनी तेज़ी से move कर रहे हैं, इस तरह की भी कई चीज़ें हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं जियोलोकेशन एपीआई से. सो दिस इज द बेसिक थिंग. बेसिक पे मास्टरिंग कीजिए, देन हम बढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स की ओर. सो इस सीरीज में इतना ही. डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, कैसी लगी ये छोटी सी सीरीज. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइस. डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक टू द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू ट्रिक्स. टिल देन, हैप्पी कोडिंग.